हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर सेल ऑनलाइन क्लास क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 2। हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 6। सलील फॉर्म टू पुट ए पिक्चर इन ए फ्रेम। द पिक्चर इज 73/5 सेंटीमीटर वाइड। टू फिट इन द फ्रेम, द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 73/10 सेंटीमीटर वाइड। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक फ्रेम। अब हमें इस फ्रेम के अंदर इस साइज की पिक्चर फिट करनी है, तो हमें कितनी पिक्चर इसमें ट्रिम्ड करनी पड़ेगी ये हमें फाइंड करना है। ये तो फ्रेम हो गया अंदर वाला, और ये क्या हो गई पिक्चर। तो ये इसका सॉल्यूशन देखते हैं। द पिक्चर इज 73/5 सेंटीमीटर वाइड। विड्थ ऑफ पिक्चर सेवन थ्री अपॉन फाइव सेंटीमीटर। मिक्स फ्रैक्शन में इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 7 5 से 35 प्लस 3 38 अपॉन 5 सेंटीमीटर। एंड विड्थ ऑफ फ्रेम गिवन है हमारे पास, सेवन थ्री अपॉन टेन सेंटीमीटर। ये भी मिक्स फ्रैक्शन में इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 10 7 70 प्लस 3 73 अपॉन 10 सेंटीमीटर। अब पिक्चर कितनी ट्रिम करनी पड़ेगी, पिक्चर टू बी ट्रिम डिफाइन करेंगे। पिक्चर टू बी ट्रिम, पिक्चर की विड्थ में से फ्रेम की विड्थ को हम क्या कर देंगे माइनस कर, 38/5 माइनस 73/10। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 और 10 है, इसके एलसीएम लेंगे। 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 5 से डिवाइड करेंगे 1, 2, 2 से डिवाइड करेंगे 1, 5 टू 10 एलसीएम आएगा हमारे पास 10। 10 में 5 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 38 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 38 × 2 76 माइनस 10 में 10 का डिवाइड करेंगे 1, 73 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 73 आएगा, 76 में से 73 माइनस करेंगे 3 अपॉन 10 73। देन हैंस पिक्चर टू बी ट्रिम 3/10 सेंटीमीटर। कितनी ट्रिम करनी पड़ेगी पिक्चर को हमने, 3/10 सेंटीमीटर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 आवर्स। वेवर फिनिश कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर्स। हु वर्क लॉन्गर, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। माइकल फिनिश कलरिंग ए पिक्चर, कितने टाइम में फिनिश करता है वो, 7/12 आवर्स। वेवर फिनिश कलरिंग द सेम पिक्चर,
कितने टाइम में फिनिश करता है, 3/4 आवर। अब देखिए दोनों केस में जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, डिनोमिनेटर 12 और ये 4। इसको सेम करने के लिए जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, दोनों का एलसीएम लें 12 और 4 का। अब देखिए आप 12 और 4 का एलसीएम आएगा हमारे पास, तो उसे डिवाइड करेंगे इसे 2, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे इसे 1, 3 से डिवाइड 1, 3 2 जैसे 6 2 जा 12, 12 आया हमारे पास एलसीएम, एलसीएम क्या है हमारे पास 12। अब इस 12 में 12 का डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 7/12 को 1 से मल्टीप्लाई करने तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जाएगा 7/12। अब इस 12 में 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, इट मीन्स न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, 3/4 को 3 से मल्टीप्लाई न्यूमेरेटर में एंड डिनोमिनेटर, 3 3 9 एंड 4 3 12। अब देखिए किस केस में हमारे पास 12 12, डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम है, जो लार्ज होता है नंबर वो लार्ज ग्रेटर होता है और जो स्मॉल होता है वो स्मॉल होता है, तो ग्रेटर कौन सा है दोनों में से, 7/12 और 9/12 में से 12 तो सेम हो गए, 7 लार्ज है 9, कौन सा ग्रेटर होता है 9, इट मीन्स वेव ऑफ फिनिश लॉन्गर टाइम, इट मीन्स वेव ऑफ फिनिश लॉन्गर, कितना लॉन्गर हाउ मच, तो हम लार्ज में से स्मॉल माइनस कर देंगे तो इसका टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास 9/12 - 7/12। वेवल का टाइम ज़्यादा टाइम, वेवल ने कितने टाइम लिया, ज़्यादा टाइम लिया, कितना ज़्यादा लिया उसको वेवल के टाइम में से माइकल के टाइम को हम क्या कर देंगे माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने से देखिए क्या है 12 का एलसीएम, 12 में 12 का डिवाइड करेंगे 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा हमारे पास, माइनस 12 में 12 का डिवाइड करेंगे तो 1, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2, 2/12, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 6 12, 1/6। तो वैभव ने माइकल से कितना टाइम ज़्यादा लिया, 1/6 आवर, दैट इज आंसर।